हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डीएसएसबी के एग्जाम के बारे में, क्योंकि अभी मार्च में एग्जाम होने के चांसेस हैं। तो आज मैं जो पढ़ाऊंगी वो हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, क्योंकि हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम मिडीवियल पीरियड की हिस्ट्री लेते हैं, जो कि मिडीवियल पीरियड यानी कि मध्यकालीन युग। इसमें सबसे पहला जो युग आता है वह है सल्तनत काल। अब जैसे हम सल्तनत काल की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो आया था सल्तनत काल में गुलाम वंश आया था, यानी कि आज हम जो डिस्कस करेंगे गुलाम वंश को डिस्कस करेंगे। तो गुलाम वंश की जो स्थापना की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम अगर कहें तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो मोहम्मद गौरी जो था भारत को लूटने के लिए 1291 ईस्वी में आया था, जब 1191 यानी कि पहली जो 1191 की लड़ाई होती तराइन का युद्ध जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ, जिसमें फर्स्ट टाइम मोहम्मद गौरी हार गया और फिर से वो वापस अपने राज्य गजनी लौट गया। फिर एक साल के बाद उसने फिर से ताकत बढ़ाई, यानी 1192 में फिर से दूसरा युद्ध हुआ, तराइन का सेकेंड युद्ध। फिर से एक बार मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय की लड़ाई हुई, जिसमें पृथ्वीराज मारा गया और मोहम्मद गौरी ने इस पर शासन कर लिया। इस तरीके से शासन करने के बाद वो वापस अपने शहर गजनी लौट गया, बट उसने अपना गुलाम, एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में छोड़ दिया। तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। इस तरीके से गुलाम वंश की स्थापना हुई। इस कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपनी राजधानी है वो लाहौर को बनाई, और अगर हम इसे कहें तो इसने एक मस्जिद बनाई है जिसका नाम है कुवल उल इस्लाम, जो कि दिल्ली में है, और एक बनाया इसने अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि हमारे अजमेर में। और इसकी एक खासियत बात ये थी, इसको लाख बख्श भी बोलते हैं। लाख बख्श क्यों? क्योंकि ये लाखों का दान देता था, इसलिए इसे लाख बख्श भी देते हैं। लाखों का दान दिया करता था, इसलिए इसका नाम लाख बख्श पड़ा। इसकी टाइम में एक चीज और हुई थी, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ दिया गया था, जो कि वहां का उस समय जाना माना विश्वविद्यालय, फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो कहलाती, यानी कि बिहार में सिचुएटेड थी नालंदा विश्वविद्यालय को, खिलजी बख्तियार खिलजी ने तोड़ दिया था विश्वविद्यालय, जिसको नाश किया था बख्तियार खिलजी ने। इस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक हुआ। उसके बाद जो आया था, यानी कि इसके मरने के बाद आया आराम शाह, जो कि एक अच्छा राजा साबित नहीं हुआ, अयोग्य होने के कारण इसको आठ महीने के अंदर गद्दी से हटा दिया। इसके जाने के बाद इल्तुतमिश नया राजा बना, जो कि हमारा 1211 से लेकर 1236 तक राज्य किया, और इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। उस समय राजधानी क्या बनी? लाहौर। इस तरीके से कई बार इसने शासन करने के बाद, इसके बाद आई रजिया सुल्तान, जो कि फर्स्ट मुस्लिम महिला शासक थी। इससे पहले हम अगर बात करना चाहें तो इल्तुतमिश से और रजिया सुल्तान के बीच में रकउद्दीन था, जो कि रजिया सुल्तान का भाई था, बट क्योंकि वो अपने मां के कहने पर चलता था, तो अमीरों को और तुर्कों को ये सब चीजें अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उसे वहां से हटाकर रजिया सुल्तान को अपनी शासक बना लिया। बट रजिया सुल्तान ने बहुत अच्छा शासन किया, वो लड़कों के वेश में ही अपने शासन करती थी, कभी महिला के वेश में नहीं आती थी। लेकिन वो उसने क्या किया कि जो अमीर थे उन्होंने